सर एसओजी बलिया व थाना भीमपुरा पुलिस को आज किस प्रकार की सफलता प्राप्त हुई? जनपद बलिया में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम और भीमपुरा की पुलिस टीम को संयुक्त रूप से आज एक बड़ी महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। मुखबिर के द्वारा उस टीमों को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक चोरों का गिरोह सक्रिय है जो वर्तमान में भीमपुरा थाना क्षेत्र में घटना करने की फिराक में है। उक्त सूचना पर तत्काल टीमों द्वारा चेकिंग की कार्रवाई शुरू की गई। चेकिंग की कार्रवाई के क्रम में कुल 4 संदिग्ध व्यक्तियों को जब पूछताछ करने के लिए उनसे बात करना शुरू किया गया तो उस चारों व्यक्ति वहाँ से भागे और भागने क्रम में उनमें से एक व्यक्ति ने पुलिस टीम पर फायर भी किया। पुलिस टीम ने हिकमत अमली का प्रयोग करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के क्रम में जब उनकी जांच की गई उनकी तलाशी ली गई तो उनमें से दो व्यक्तियों के पास से दो अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए हैं। इनसे जब विस्तृत पूछताछ किया गया तो एक अन्य बड़ी महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। जनपद भीम बलिया के भीमपुरा थाने में 11/8/23 को एक ट्रक चोरी का अभियोग पंजीकृत किया गया था जो अज्ञात अभियुक्तों के खिलाफ था। पुलिस टीम उसकी भी अनावरण का प्रयास कर रही थी। इन अभियुक्तों ने यह स्वीकार किया कि उक्त ट्रक की चोरी की घटना भी इन्होंने, ये चारों उसमें शामिल थे। इसके अलावा इनके दो अन्य साथी भी शामिल थे। इन चारों की निशानदेही पर वो ट्रक भी बरामद कर लिया गया है और इनको अब नियमानुसार जो है इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग भी पंजीकृत करके इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इनके जो शेष साथी बचे हुए हैं वो जनपद मऊ के रहने वाले हैं और अभी उनकी गिरफ्तारी शेष है और ये जो चारों अभियुक्त पकड़े गए हैं ये जनपद गाजीपुर के रहने वाले हैं। इस प्रकार से बलिया की टीम को एक महत्वपूर्ण अंतर जनपदीय गिरोह को पकड़ने में बड़ी महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है और आगे भी इनसे जो संबंधित लोग हैं, इस अंतर जनपदीय गिरोह से संबंधित जो भी अन्य लोग हैं उनके विरुद्ध भी हम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद।